युवराज सिंह जी, आप यहाँ पर आए आज बलिदान दिवस पर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ जो भी इसमें इन्वॉल्व है, कि हम लोग अपनी आर्मी के लिए बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं जी। तो अगर इस तरह के शोज़ और हों इंडिया में और बाहर भी हों, तो हमें लगता है कि जितने भी हम लोग इंडियन लोग हैं, हम पेट्रियाटिक बनेंगे। और आजकल हम देख रहे हैं कि हर तरफ पोलराइजेशन हो रही है जी। लोग कास्ट में, स्टेट्स में, जाति में, इन चीज़ों में ज़्यादा पड़ रहे हैं। मुझे लगता है हम पहले इंडियन हैं, फिर हम जो भी हैं जी। तो इस तरह के फंक्शन हमें हमेशा इन चीज़ों से आगे बढ़ाएंगे, और जो भी हमारे कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं छोटी मोटी, इससे ख़त्म हो सकती हैं। युवराज जी, आप ये एक्टिंग में आए और आप एक्टर हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं बचपन से ही थिएटर से था, तो मैं बहुत जल्दी शुरू कर लिया था। 8-9 साल की उम्र में मैं थिएटर और म्यूज़िक में इन्वॉल्व हो गया था। तब से इन्वॉल्व रहा मैं, और अब जाके पॉपुलर हो रहा हूँ। क्या आपने कोई कोर्स किया, या वो आपका एक प्रकृति की आपके साथ में घटना घटी? नहीं, स्टेज मैंने बहुत किया, उसके बाद मैंने टीवी किया, फिल्में करी, बहुत चीज़ें करी। तो टाइम लगता है हर चीज़ में, और कोर्सेज भी करें, पर मुझे लगता है मेरी स्टेज की जो टेक्निक है थिएटर की, वो मेरी सबसे क्लोज टेक्निक है एक्टिंग में। आपने एक बेनाम क्या करके एक फिल्म बनाई थी, उसका बेनाम बेमान लव, बेनाम लव जी जी। तो उसके अंदर आपने करेक्टर निभाया, तो अब आगामी योजना में कौन सी आपकी फिल्म आने वाली है? मैं दो फिल्में कर रहा हूँ अभी इस साल, और एक कॉमेडी है और एक थ्रिलर है, तो दोनों बस इस साल में शुरू हो जाएंगी, मिड अप्रैल मई के आसपास। और वेब, आजकल वेब का बहुत चला हुआ, वेब सीरीज़ और ये सब। और मेरी अभी 4 दिन बाद शूट है बॉम्बे में, और वो एक वेब फिल्म है जिसका नाम है शुगर फ्री। शुगर फ्री जी, मतलब वो कॉर्पोरेट लाइफ के ऊपर है, एक छोटी फिल्म है। और वो जितने भी लोग कॉर्पोरेट लाइफ में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो एक छोटा सा हमारा एक सॉर्ट ऑफ क्या कह सकते हैं, लव स्टोरी कह सकते हैं, या फिर पॉजिटिव फीडबैक कह सकते हैं जो लोगों को आज ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं आजकल। ये युवराज जी, ऐसा ना हो कि आप शुगर फ्री की बात कर रहे हैं, जो शुगर बनाने वाले हैं वो आपके पीछे ना पड़ जाए। ऐसा ना हो, पर वो तो एक बस टॉपिक है। शुगर बनाने वालों के खिलाफ कुछ नहीं है। आपने एक बताया कॉमेडी फिल्म बनाने जा रहे हैं, उस कॉमेडी फिल्म की एक दो इस तरीके की कोई घटना है, वो आप एक बार शेयर करेंगे? जी, मतलब अभी क्योंकि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, तो मुझे टाइटलिप रहना पड़ता है इसके बारे में। टाइटल और स्क्रिप्ट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर अच्छी कॉमेडीज है, सिक्वेंशियल कॉमेडीज़ हैं। एक कॉमेडी पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर है, कि जिस तरह से हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है, उसे ये लड़का कैसे कंट्रोल करता है या कोशिश करता है। और दूसरी एक कॉमेडी है जो एक डॉक्टर के बारे में है, और वो कैसे अपनी दुकान चलाता है। डॉक्टर को भी हाईलाइट कर लिया कॉमेडी के रूम में, देख के बताएंगे आप। अभी वो सब्जेक्ट अभी तक तो अच्छा लग रहा है, और देखते हैं कैसा बनता है।